हमारे एडवोकेट बड़ी जमा साहब अकबर मेम्बर ईद फित्र मुबारक, हमारे करीम साहब मौजम साहब ईद मुबारक, हमारे इमाम नईमुर रहमान साहब की ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप तमाम को मेरी जानिब से जी कोविड के सीजन में आप तमाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद, और तमाम से अदबन गुजारिश है कि इस ईद उल फित्र में अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन रखिए और अपने आप को उससे बचाइए। जरा खरी वजाई बरकातु फिर से सलाम। हुकूमत के तमाम हुकूमत और वक्फ के तमाम अहकाम को मद्देनजर रखते हुए और उलमाए कराम के मशवरे के तहत मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज ना होने के बराबर रही, घरों में शुक्राना हमने अदा किया है, और जो लोग गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था कि 5 लोग 6 लोग अदा कीजिए, उसी हिसाब से यहाँ पर ईद उल फित्र अदा की गई सिर्फ गवर्नमेंट के अहकाम के मुताबिक। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम को, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना की आवाम को, बल्कि मुल्क के तमाम मेरे भाइयों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे वतन अफीज के तमाम रहने वालों को इस मसले पर इस सिचुएशन में हुकूमत के जो काम रहे उसको मैं सराहता हूँ। तेलंगाना हुकूमत के बहुत ही काबिले सताइश इकदाम रहे, और तमाम मसाजिदों के और मोहल्लों के तहत जो साफ सुथराई रखी गई उसका भी मैं हुकूमत का बेहद मशकूर हूँ, और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ, और रोजगारों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एक महीना उन्होंने परहेजगारी के साथ अल्लाह के हबीब के बताए हुए रास्ते को अपनाया और अल्लाह के फ़र्ज किए गए इस हज यानी रोज़ा भी एक इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों में से एक आता है, उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर फ़र्ज रोज़े अदा किए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और खुसूसन मैं तेलंगाना के तमाम 1 करोड़ मुसलमानों से इस बात की अपील करूँगा कि आज का दिन और जो रात गुजरी वो तो गुजर गई, उजरत वाली रात थी, आज का दिन भी ना सिर्फ अपने लिए ईद है बल्कि ये उजरत वाला दिन है, इसको गनीमत जानिए, और इस दिन आप जितना हो सके जो भी आपको वक्त मिला आप इस दिन दुआ कीजिए कि इस आलम इस्लाम में जो पहली विवाह के खात्मे के लिए और जो मर्ज इसमें COVID-19 यानी कोरोना वायरस में मुब्तिला है, आप इनके लिए इनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम को सेहत याब करे, क्योंकि आपने एक महीना परहेजगारी के साथ रोजे रखा है, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। और मैं तमाम मेरे भाइयों को अदबन दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद।